मिस्टर अरमान सूरी आया? मिस्टर अरमान सूरी? मैं उनकी असिस्टेंट हूँ, गुलमोहर में काम करती हूँ, ये मेरा कार्ड है। ये गाड़ी उनकी यही बेसमेंट में पार्क की है, पीछे की तरफ। ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी। थैंक यू। तो अब तक मुंह क्यों बुला के बैठा हुआ है? आज मेरी जिंदगी का सबसे सैड दिन है। जैसे मैंने सब कुछ खो दिया है, तेरे जैसा अच्छा दोस्त। कोई नूर की पोस्ट, मर्सिडीज। नंदू अपने हाथ दे, चल जल्दी। कौन सा, राइट या लेफ्ट? इसको कोई भी। देख, मुझे छोड़ के मत जाना। जैसे तू क्या कह रही है? तू प्लीज कोहिनूर से रिजाइन मत करना। नहीं, एक बार जो नंदन वर्मा ने ठान लिया, उसका फैसला कोई नहीं बदल सकता। चुप कर। देख, अगर तू चाहता है कि मैं तुझे माफ कर दूँ ना, तो तू कोहिनूर से रिजाइन नहीं करेगा। नंदू, जैसे तू मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही? मुझे बहुत डर लग रहा है। बेहतर है यहाँ पे चुप जा। अरमान सर यही है। अरे देख मत, मुझे नहीं पता कि कहाँ है, लेकिन वो यही कहीं है। तू एक्टिंग एक्टिंग करता रहे। वो क्या तेरा पीछा कर रहा है? वो ये देखना चाहते हैं कि हम दोनों में क्या चल रहा है। और मैं तेरे साथ कितनी खुश हूँ। अच्छा तो ये बात है, देख। करने की जरूरत नहीं है। अच्छा देख, तू ना कोहिनूर से रिजाइन मत करना। मुझे लगेगा कि जितना दुख अरमान सर ने मुझे दिया ना, तूने उनसे भी ज्यादा दुख दिया है मुझे। जैसी मैं तुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। प्रॉमिस। जा पीपा। पकड़ना ना, जैसे हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। कम ऑन अरमान, मेरा दिल मत तोड़ो। टॉक टू मी। देखो अभी नहीं, बाद में। तो क्यों क्यों क्या हुआ? तेरा अब लग रहा है मेरा हीरो। चल। लगता है ये लोग कहीं और जा रहे हैं। कोई नहीं, तुम बैठो। तो सच में पीछे आ रहा है, ये अरमान ही है ना? हाँ, अरमान सर है। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। अरमान सर जो भी करते हैं सिर्फ गुलमोहर के लिए करते हैं, और उन नकली बैलेंस शीट्स के लिए जो अभी बोर्ड मीटिंग में दिखानी है। कल उनके पेरेंट्स आ जाएंगे, फिर नए कलेक्शन का लॉन्च, नकली बैलेंस शीट्स, और 2 दिन के बाद उनकी शादी। जस्सी, जस्सी तू मुझे पागल करने जानती है? तुमसे नहीं होना, मैं क्या कह रहा हूँ? जस्सी, मैं एक बार फिर से तुमसे कह सकता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो जो भी करते हैं सिर्फ इन सब के लिए ही करते हैं। यहाँ तक कि मलिका मैम से शादी कैंसिल करने की भी बात की थी। तुझे क्या लगता है वो मलिका से शादी कैंसिल कर देगा? तू पागल हो गया नंदू,
राज सर के लेटर में साफ साफ लिखा हुआ था कि मालिका मैम से शादी करना एक प्लान है। अरमान सर मेरे लिए कभी ऐसा नहीं करेंगे और ना ही कभी करना चाहेंगे। तुम सचमुच जस्सी से प्यार करने लगे? मालिका मैं निकल चुका हूँ, आधे घंटे में घर पे पहुंच जाऊंगा। ओके तेरा फोन बज रहा है। किसका है? परी का। तू आज रात उसे बाहर लेके जा रहा है ना? कैंसिल नहीं किया प्लान? जैसे मैं कैसे कैंसिल करता, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही। तू बेवकूफ है ना? तू तुझे पता नहीं है कि परी तुझसे प्यार नहीं करती, वो सिर्फ तेरे पैसों से प्यार करती है। उसे तो बस ऐसे बकरा फंसाना था जो उसके सारे कर्जे उतार सके। पता है। तो फिर जो भी हो, कम से कम एक सुंदर लड़की के साथ बाहर जाने का मौका तो मिला। हमेशा से ही ना तो मेरे पास पैसे रहे और ना ही शक्ल, मुझे कभी किसी सुंदर लड़की ने मुड़के ही नहीं देखा। आज मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास गाड़ी है, सब कुछ एक सपने जैसा लगता है। ये जानते हुए कि ये सपना सपना ही रहेगा, कभी सच नहीं होगा। झूठा इसे, कम से कम मैं अपना सपना कुछ दिन तो जी रहा हूँ और मैं भी तो उसे सपने दिखा रहा हूँ। मैं तो वो आदमी हूँ ही नहीं जो मैं कह रहा हूँ उसको। चल मुझे जल्दी से घर छोड़ दे वरना तो लेट हो जाएगा। मैं लेट हो जाऊँ? मुझे कहाँ जाना है? परी से मिलने। मतलब तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर मैं परी को मिली तो? नहीं। तो ये ले। शुक्र है भतीजा जस्सी को घर पर मिला। जस्सी तू तो सचमुच की परी है। थैंक यू। लेकिन उससे पहले मेरी शर्तें हैं, और सबसे पहली शर्त ये कि तू मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। गॉड प्रॉमिस। और दूसरी शर्त ये कि तू परी पे कभी कोई पैसे खर्च नहीं करेगा। तीसरी और सबसे जरूरी बात, तू परी से सचमुच प्यार मत करना। इन लोगों के लिए ये सिर्फ एक खेल है नंदू, जो अब हमें भी खेलना है। जैसे तू उसकी चिंता मत कर, मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ। ये खेल अब बहुत जल्दी खत्म होने वाला नंदू, तेरा भी और मेरा भी। इसलिए जब तक है ना, तू अपना सपना जी ले। जैसे इस खेल का असली खिलाड़ी तो आप पहुंच गए हैं। जैसे इस खेल का असली खिलाड़ी तो आप पहुंच गए हैं। वो हम पर नजर रख रहे हैं। हेलो परी। नंदन, तुम्हें पता है तुमने मुझे कितना परेशान किया है। अच्छा एक बात बताओ, वो जस्सी अभी भी तुम्हारे साथ है? नहीं नहीं, जस्सी को तुम्हें छोड़ा है, तुम्हें पिकअप करने जो आना था। अच्छा, उसे कहीं शक तो नहीं हो गया ना? अगर उसे शक हो जाता ना, मैं तुमसे नहीं ऊपर वाले से बात कर रहा होता। मैं आता हूँ थोड़ी देर में। नंदन जल्दी आना। ओके बाय बाय। देखा कहाँ लेके जा रहा है उसे? मैं ऐसे कोई फ्रेंच फूफा वाली जगह पे नहीं लेके जाऊंगा, और ना ही मैं कोई नूर के पैसे खर्च करूंगा, प्रॉमिस। अब चलिए बॉयफ्रेंड जी, मेरे लिए दरवाजा खोलिए। <laughs>
गाल पे तेरी पप्पी भी चिपका दूं? हाँ, ठीक है। चल जा, अब तू रंगे बाल के साथ जाकर अपनी शाम और रंगीन कर ले। बाय। थैंक यू। बाय। बाय जेसी। जसमीत वालिया, आप यहां क्या कर रहे हैं अरमान सर? आज तक मुझे सिर्फ शक था जैसे, लेकिन मैं अपनी आंखों से देखना चाहता था और आज मैंने सब कुछ देख लिया। क्या देख लिया? सब कुछ जैसे, सब कुछ डायरेक्ट, जो एक दूसरे के साथ क्लब जाते, एक दूसरे के बाहों में बाहें डालकर बैठ और एक दूसरे के साथ गले मिलना। जसी, जसी तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे? क्यों? शांत हो जाइए अरमान सर, सब उठ जाएंगे। मैं कैसे शांत हो सकता हूं जसी, कैसे? तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम्हारे और नंदन वर्मा के बीच में कुछ नहीं है, और इतना बड़ा झूठ बोला तुमने मुझसे जसी। कैसा झूठ अरमान सर? कितनी भोली बन रही हो ना जसी तुम, कितनी भोली बन रही। मैंने अपनी आंखों से देखा तुम्हें उस नंदन वर्मा के हाथों में हाथ डाले हुए, उसके साथ गले मिलते हुए और एक दूसरे को किस करते। हाँ, नंदू ने मुझे किस किया, मेरी गाल पर किस किया। मेरे बचपन का दोस्त है नंदू, हम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था, सुलह हो गई बस। जस्सी, मैं जानता हूँ कि ये झगड़ा क्यों हुआ। ये झगड़ा एक औरत की वजह से होता है, एक औरत की वजह से जस्सी, और ऐसे झगड़े दो दोस्तों के बीच में नहीं होते बल्कि तो प्यार करने वालों के बीच में होते हैं। तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। नंदू और मेरे बीच में झगड़ा हुआ था कोहिनूर के पैसों को लेकर। नंदू कोहिनूर के पैसों और गाड़ी का गलत इस्तेमाल कर रहा था। अब सारी बात साफ हो गई है, हम दोनों फिर से दोस्त हैं। हाँ, लेकिन दोस्ती जिताने का और कोई तरीका तुम्हें नहीं मिला? हाँ, उस नंदन वर्मा की आंखों में आंखें डाल, उसके साथ बाहों में बाहर डाल के साथ। नंदन वर्मा के साथ मैं अपने घर पर क्या बातें करती हूँ, बस इसी की फिक्र है आपको। यही सब सोच के आप परेशान होते रहते हैं, जबकि मलिका मैम के साथ रोज ऑफिस में आप यही करते हैं। जैसे जैसे मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि जब से मेरी जिंदगी में तुम आई हो ना, तब से मैंने मलिका को छुआ तक नहीं, क्योंकि मेरे दिल में अब सिर्फ तुम हो जैसे। हाँ, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो जैसे, सिर्फ तुम। कोई मेहरबानी आपकी अरमान सर, लेकिन ये सारी बातें सुनने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं अंदर जा रही हूँ, कल सुबह मुझे बैलेंस शीट बनानी है। जैसे गुड नाइट। जैसे मैं कसम खा के कह रहा हूँ, कि मैं सच कह रहा हूँ। इतना शोर कैसे हो रहा है? प्लीज तुम समझने की कोशिश करो। जैसे जी, मैं वो जैसे को ऑफिस से छोड़ने आया था। और फिर ये चिल्ला कौन रहा था? अरमान साहब ऑफिस की बातें कर रहे थे। मैं चलता हूँ। साफ साफ बता बेटा, ये तुझ पर तो नहीं चिल्ला रहा था ना?
मैं अपने होते किसी को तुझ पर चिल्लाने नहीं दूंगा, समझे तू? कुछ नहीं पापा जी, चलिए अंदर चलिए ना, चलो। जस्सी के साथ ऐसा क्यों किया? कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा हूं? ये मैं क्या कर रहा हूं? मैं अपने जाल में क्यों फंसता जा रहा हूं? मैं अपने जाल में क्यों फंसता जा रहा हूं? क्यों क्यों क्यों, क्यों?